नमस्कार, पावर ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे। और एक दिन की छुट्टी के बाद आज भारतीय बाजार के लिए संकेत काफी अहम है। विदेशी बाजारों से काफी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से एक दिन की छुट्टी के बाद आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, तो देखना बेहद अहम है कि किन लेवल्स पर भारतीय बाजार ट्रेड करते हैं। एशियाई बाजारों की शुरुआत से एक बार शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर तेजी का रुझान बिल्कुल देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं हैंगसेंग में खरीदारी के स्तर पर 29,173 के लेवल्स पर कामकाज होता हुआ दिख रहा है। एसडीएक्स निफ्टी की अगर बात करें तो यहां पर भी तेजी के साथ अच्छी शुरुआत ही देखने को मिल रही है। साथ ही अमेरिकी बाजार की क्लोजिंग की अगर बात करें तो वहां पर भी तेजी का रुझान देखकर ही अमेरिकी बाजार बंद हुए थे। देखिए, डाउ जोन्स में करीब 216 अंकों की तेजी का रुझान था। 25,962 के स्तर पर यहां क्लोजिंग देखने को मिली। साथ ही S&P 500 और नैसडैक में भी हरे निशान के साथ ही कामकाज देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट से काफी मजबूत संकेत है और एशियाई बाजारों की बेहतरीन शुरुआत हो रही है। एसडीएक्स निफ्टी 11,600 के पार एक बार आंकड़ा देख चुका और करंट लेवल्स की अगर बात करें तो वहां पर भी बिल्कुल तेजी का रुझान ही देखने को मिल रहा है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आज कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जो बाजार को इंपैक्ट करते हुए दिखेंगे। सबसे पहले तो ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत हैं, शुरुआत अच्छी हुई है एशियाई बाजारों की। और अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो अच्छी क्लोजिंग के चलते बिल्कुल भारतीय बाजार पर इसका एक इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। सादी फेड ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया। आपको बता दें कि 2 दिवसीय फेड की जो बैठक थी उसका फैसला बुधवार देर शाम आया और फैसला यूं निकल कर आया कि यूएस फेड ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन फेड ने ग्रोथ अनुमान घटाया है। तो इसके चलते बाजारों पर किन लेवल्स पर असर पड़ेगा ये देखना भी बेहद अहम होगा, जो कि बुलेटिन में आगे हम आपको समझाएंगे। इसके अलावा अगर करेंसी की बात करें तो रुपए में जो मजबूती का दौर जारी है वो बिल्कुल बरकरार है और मजबूती के साथ फिलहाल रुपए में कामकाज होता हुआ दिख रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है जो कि भारतीय बाजारों को पॉजिटिवली इंपैक्ट करता दिखेगा। साथ ही आपको बता दें न्यूज बेस्ड इंपैक्ट जेट से आती हुई दिख सकती है, क्योंकि जेट के मौजूदा मैनेजमेंट में बदलाव की सूत्रों की तरफ से यहां पर खबरें आ रही हैं। आपको बता दें सरकार बिल्कुल हरकत में है जेट की जो मौजूदा स्थिति है उसे ठीक करने के लिए, और इसी के चलते बदलाव की पूरी तैयारी हो रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जेट के मैनेजमेंट में कोई ना कोई बदलाव की खबरें आए, जिसका एक असर भारतीय बाजार पर न्यूज बेस्ड इंपैक्ट इस काउंटर पर देखने को मिल सकता है। और आगे बढ़ते हैं और ग्लोबल बाजारों के संकेत जानने के लिए चलते हैं संदीप ग्रोवर के पास। आपको बता दें कि ग्लोबल बाजारों में तेजी का रुझान है, लेकिन ये तेजी क्यों देखने को मिल रही है? यूएस बाजारों में क्या लेवल्स पर क्लोजिंग हुई और इन सब के पीछे की वजह क्या है, एक के बाद एक विस्तार से संदीप हमें समझाएंगे। बताएं संदीप, ग्लोबल बाजार से क्या ट्रिगर्स हैं? देखिए, अच्छे संकेत हैं जैसे आप कह रही हैं, और हमारे लिए जहाँ तक बात है तो जो बुधवार को रात को फेड की 2 दिन का बैठक का फैसला आया था उसके ऊपर भी आज मार्केट रिएक्ट करते हुए देखेंगे। आज एशिया बाजारों में तेजी है क्योंकि कल यूएस के मार्केट्स तेजी के साथ बंद हुए थे। हालांकि फेड का जो फैसला आया था तो वहाँ पर नेगेटिव रिएक्शन था, लेकिन कल की जो क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अगर आप देखें डाउ में करीब 217 पॉइंट के आसपास गेंस देखने को मिले थे। IT स्टॉक्स लाइमलाइट में थे और इंडियन मार्केट्स की जहाँ तक बात है तो फेड का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, 2.5% से 2.5% यही रेंज पर बरकरार है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 2019 में कोई भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी, ऐसे संकेत भी फेड की ओर से दिए गए हैं। पहले आपको बता दें फेड ने ये इंडिकेट किया था कि इस साल में यानी कि 2019 में 2 बार दरों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अब उनका जो स्टैंस है उसमें बहुत ज्यादा नरमी देखने को मिल रही है। अब कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। यूएस और चाइना के बीच में जिस तरह की स्थिति चल रही है उसके बाद वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, उसका असर आया है, तो उसके चलते अब वो थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे और 2019 में हो सकता है कि ब्याज दरों में कोई भी बढ़ोतरी ना देखने को मिले। इसके ऊपर कल अगर आप देखें यूएस के मार्केट में पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला। हालांकि फेड ने जो 2019 का ग्रोथ अनुमान है उसमें थोड़ी सी कमी की है, 2.3% के मुकाबले 2.1% किया है, लेकिन हाँ दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी उसको कल मार्केट ने पॉजिटिवली लिया और इसी का इंपैक्ट आज देखिए आज एशियन मार्केट में पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहा है। केवल एक ही दिक्कत की बात है मानसी यहां पर कि जो फैसला आया था फेड का उसके बाद डॉलर में थोड़ी सी कमजोरी आई है, तो उसका इंपैक्ट क्या है कि जो कमोडिटी कीमतें हैं उनको कहीं ना कहीं सहारा देखने को मिला है। अगर आप ब्रेंट क्रूड की बात करें तो जो लेवल्स हैं वो $68 के आसपास के हैं और WTI क्रूड देखिए $60 के आसपास का भाव है। 4 महीने से ज़्यादा की ऊंचाई पर आपको WTI क्रूड की कीमतें नजर आएंगी, तो ये एक ओवरऑल देखा जाए तो दिक्कत की बात है इंडियन मार्केट्स के लिए। बाकी सभी संकेत बेहतर और खासतौर पर जो फेड का फैसला है उसे भी इंडियन मार्केट्स के लिए पॉजिटिव समझ के चलिए। चलिए, तो बिल्कुल डॉलर में जो नरमी का रुझान दिख रहा है उस पर से क्या इंपैक्ट बाजार पर पड़ता है देखना बेहद अहम है। लेकिन आपको बता दें कि फेड की बैठक का जो फैसला है उसी की तर्ज पर बाजार फिलहाल ग्लोबल मार्केट्स ट्रेड करते दिखे और उनका लेवल या उनका न्यूज बेस्ड इंपैक्ट आपको भारतीय बाजार पर भी बिल्कुल देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल एशियाई बाजारों से अच्छे संकेत हैं जिसके चलते हो सकता है कि अब भारतीय बाजारों को एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले। संदीप, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।
आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि बुधवार के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। देखिए, FIIs ने कैश मार्केट में करीब 1771 करोड़ की यहां पर खरीदारी की है। साथ ही DIIs ने कैश मार्केट में बिकवाली की है, 1300 करोड़ के ऊपर की बिकवाली यहां पर हुई है। और साथ ही अगर इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो FIIs ने यहां पर 51 करोड़ की खरीदारी की है, जबकि इंडेक्स ऑप्शंस में 2800 करोड़ के करीब की खरीदारी की गई है। और साथ ही स्टॉक फ्यूचर्स की अगर बात करें 1148 करोड़ की यहां पर बिकवाली की गई है। तो चलिए, बुधवार के दिन संस्थागत निवेशकों ने क्या किया ये हमने आपके सामने रख दिया, लेकिन अब रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां पर हम बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ग्लोबल बाजारों से जो संकेत देखने को मिल रहे हैं, यूएस फेड ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया, इसका इम्पैक्ट आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, बहुत ही अच्छी बात है कि दरों में बदलाव नहीं किया है, जो कि लगभग सारे बाजारों का अंदाजा था। लेकिन जो सबसे बढ़िया बात हुई वो ये कि 2019 में बढ़ाएंगे नहीं, और 2019 तो अभी मतलब शुरू हुआ है, एक तरह से आप देखिए मार्च में ही है, 9 महीने बाकी हैं, और अगले 9 महीने तक अगर ब्याज दरें नहीं बढ़नी तो फिर इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि इक्विटी मार्केट के लिए इससे बढ़िया खबर नहीं हो सकती। क्योंकि जब जब ब्याज दरें बढ़ती है हमारे यहाँ तो ठीक है कि हम बहुत असेट एलोकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, चलता है, लेकिन जो डेवलप मार्केट है, अमेरिका जैसे बड़े मार्केट है, वहाँ पर असेट एलोकेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, और डेट से इक्विटी में पैसा शिफ्ट होता हुआ नजर आता है, इक्विटी से डेट में शिफ्ट होता है, तो अगर ब्याज दरें बढ़ती तो कुछ पैसा इक्विटी में से निकलकर फिक्स इनकम में जाता, तो वो रिस्क है ना, कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और कम से कम आप मान सकते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो में भी होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक बार बढ़ाने के बारे में फेड सोचेगा। तो अगले 9 महीने आपके लिए मैदान साफ है इक्विटी मार्केट के लिहाज से, ये बड़ा पॉजिटिव है। तो एक तो ये चीज हो गई कि ये पॉजिटिव है, लेकिन इसके साथ ही ग्लोबल मार्केट्स में एक और अहम ट्रिगर जिस पर नजर रखनी है, और जैसे जैसे मार्च खत्म होते हुए नजर आ रहा है, अभी भी चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर को लेकर फाइनल समझौता हुआ नहीं है, बहुत दिन हो गए कि इसी तरह का कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, कोई ट्वीट आया नहीं है, तो वो एक अभी तक थोड़ी सी अनिश्चितता है। लेकिन हाँ, एक बड़ा खतरा जो था ब्याज दरें बढ़ने का, या फिर यूं कहें कि थोड़ी अनिश्चितता का, अगले 9 महीने का आउटलुक देकर फेड ने ये बहुत अच्छा काम किया कि कम से कम अब मार्केट को पता है कि आगे पूरे 2019 में क्या होने वाला है। जी बिल्कुल अंजी, साथ ही ग्लोबल बाजारों से संकेत अच्छे हैं, और इंडेक्स की अगर बात करें वहां पर भी तेजी का रुझान है, और रुपए में जो बुधवार के दिन मजबूती देखने को मिली थी, इसके चलते निफ्टी बैंक निफ्टी पर आप क्या नजरिया बताएंगे? बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, सारे संकेत बढ़िया है जैसा आपने बताया, और खरीदारी का रुझान है ही, बाजार मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तेजी के बाजार में छुट्टी के एक दिन पहले बाजार हल्के से सुस्त रहते हैं, जो सुस्ती आपने शुक्रवार तो आज है बुधवार को देख ही लिया आपने, तो वो हल्की सी संकेत जो कंसोलिडेशन के थे वो हो चुके, फिर से रफ्तार पकड़ेंगे बाजार, कहीं कोई दिक्कत वाली बात मुझे दिखती नहीं है। 11,500 मानती आज के लिए निफ्टी पर निर्णायक लेवल है, और जो छोटी रेंज है निफ्टी के लिए वो मानकर चल सकते हैं आप 11,450 से 11,600, इनफैक्ट हो सकता है 11,500 भी ना तोड़े, 11,500 से 11,600 की एक तरह से आप रेंज मानकर चल सकते हैं। तो कुल मिलाकर तेजी का रुझान रखना चाहिए बाजार में, 11,600 के पार निकले तो 50 पॉइंट का एडिशनल मूव, 11,500 के नीचे फिसले तो 50 पॉइंट का एडिशनल मूव, ये संभावना बन सकती है, लेकिन संभावना कम है कि बाजार इस रेंज को तोड़े, और अगर तोड़ा तो 11,600 के पार निकले तो 11,650 तक की जगह बनती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 29,800 बैंक निफ्टी के लिए निर्णायक लेवल है और उस पर फोकस करना चाहिए, 29,600 से 30,000 ये बैंक निफ्टी की रेंज निकल कर आती है, जिसमें बैंक निफ्टी भी ट्रेड करने की कोशिश कर सकता है। जी बिल्कुल, साथ ही अनिल सर, स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक कहां पर नजर रखनी चाहिए आज? प्राइवेट बैंक्स ये मजबूत दिख रहे हैं मानसिक, मुझे लगता है यहाँ मतलब खरीदारी लगातार हो ही रही है, कहीं कोई ठंडे होने का नाम नहीं ले रहे, तो अभी भी लगता है जो दिग्गज प्राइवेट बैंक्स हैं वहां पर खरीदारी रहेगी। आज हेडलाइंस में आप पढ़ रहे थे रिलायंस जियो में कुछ अच्छे एडिशन हुए हैं, तो एक रिलायंस भी बड़ी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, तो निफ्टी को सहारा देने के लिए प्राइवेट बैंक्स, HDFC, रिलायंस, ITC ये सारे दिग्गज हैं, तो वहां खरीदारी होती रहेगी, तो मुझे लगता है लार्ज कैप्स आज भी एक्शन में रहेंगे। जी बिल्कुल अनिल जी, अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बैंकिंग स्टॉक से जहां पर आज बिल्कुल नजर रखनी चाहिए, साथ ही ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें, निफ्टी में 11,500 से 11,600 एक ट्रेडिंग रेंज है जहां पर आपको नजर बनाकर रखनी है, और बैंक निफ्टी में 29,600 से 30,000 तक की ट्रेडिंग रेंज पर आज नजर बनाकर रखें। चलिए, अब वक्त है आज के खबरों वाले शेयर्स जानने का, और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई है हमारी सहयोगी देवांशी आश्र। देवांशी, बताएं खबरों के दम पर आज कौन से शेयर्स रहेंगे?
बिल्कुल, आज सबसे पहले तो देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले आज सीपीएससी, जिसके हम पिछले दो दिन से बातचीत कर रहे हैं, तो आज इसका आखिरी दिन है जहाँ पे नॉन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए सीपीएससी खुलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगी तीन कंपनियाँ, एनएमडीसी, टाइड वाटर्स और कोल इंडिया, इस पर भी फोकस कीजिए। इसके अलावा आज स्पाइस जेट फोकस में रहेगा, क्योंकि जिस तरह से बातचीत चल रही थी जेट एयरवेज के विमान को यहाँ पे ऑपरेट करने की, तो जेट एयरवेज के 40 विमानों को टेक ओवर करने पर अपनी विचार करेगी। जेट एयरवेज के प्लान पर आज बातचीत जारी रहेगी। इसके अलावा टाटा स्टील आज फोकस में रहेगा, जहां पे ईयू के मर्जर की समीक्षा की समय सीमा कंपनी ने बढ़ा दी है, लगभग एक हफ्ते तक यहां पे समय सीमा बढ़ाई है कंपनी ने। साथ ही आज माइंडट्रिक का स्टॉक भी फिर से फोकस में रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से बोर्ड की बैठक हुई थी, लेकिन बोर्ड की बैठक में कोई फैसला आता हुआ नहीं दिखा था, और बोर्ड अगली बैठक जो है वो अब 26 मार्च को करेगी। फाइनेंशियल इन्वेस्टर की मदद से यहां पे किस तरह से काउंटर अटैक करती है कंपनी, इस पे फैसला होगा। साथ ही आज ट्राई के नंबर्स आ चुके हैं, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पे जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिखे हैं, तो जनवरी में इंडस्ट्री में कुल 39 लाख ग्राहक जो हैं वो यहाँ पे एडअप होते हुए दिखे थे। सबसे पहले जियो की अगर बात करें तो 63 लाख ग्राहक यहाँ पे जुड़ते हुए दिखे हैं। जनवरी में एयरटेल में करीब 45 लाख कस्टमर्स जुड़े थे, और अगर वोडाफोन आइडिया की बात करें तो 62 लाख जो कस्टमर्स हैं वो यहाँ पे जुड़ते हुए दिखे थे। और आखिर में बीएमएल भी आज फोकस में रहेगा, क्योंकि बोर्ड ने 4.5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड, अंतरिम डिविडेंड की घोषणा यहाँ पे की है, इसी के चलते फोकस में रहेगा। चलिए देवांशी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो आज के सत्र में स्पाइस जेट, माइंडट्री, टाटा स्टील, बीएमएल जैसे काउंटर्स जहां पर न्यूज बेस्ड इंपैक्ट देखने को मिल सकती है, खबरों के दम पर यहां पर बिल्कुल एक इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा, इसके चलते इन तमाम काउंटर्स पर एक बार नजर बनाकर रखें। तो ग्लोबल बाजारों से जो पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, इसका एक सबसे बड़ा कारण यूएस फेड के जो फैसले आए वो भी थे। बुधवार देर शाम यूएस फेड ने दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया, और उसके बाद आप देखिए ग्लोबल बाजारों में यूएस बाजार में एक इंपैक्ट देखने को मिला, और साथ ही एशियाई बाजारों में भी इंपैक्ट पॉजिटिव पर ही रहा। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ मैक्वायरी के चीफ एशियन इकोनॉमिस्ट पीके बासु जी जुड़ गए हैं। मिस्टर बासु, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। यूएस फेड की तरफ से जो फैसला आया है, इस फैसले को आप भारतीय बाजार के लिए कैसे देखते हैं? हाँ जी, तो फेड की जो स्टेटमेंट हुई है कल, the Fed statement basically suggests it is not very different from the statement in January. But ek farak hai ki they have acknowledged that the economy has weakened a little bit, both consumption and investment spending has weakened. Aur usse market has basically come to the conclusion that there will be no further rate hikes this year. ये जो फेड के जो फोरकास्ट हैं वो भी थोड़ा फर्क है इस बार, 6 हफ्ते पहले से थोड़ा सा धीमी गति की इन्फ्लेशन फोरकास्ट आ गई है, और फ्रॉम दैट इट्स बिकमिंग क्लियर दैट इट इज मोर लाइकली दैट द फेड विल नॉट डू एनीथिंग एट लीस्ट फॉर, आज से मेरे ख्याल में अगले 6 महीने the Fed will stay out of making any changes, and that implies that the dollar will be relatively weak, and that is positive for emerging markets. जी बिल्कुल मिस्टर बासु, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, हमने एंजल ब्रोकिंग से बात की, खास तौर से सुबह सुबह उनका समय लिया और हमने उनसे बात की और जानने की कोशिश की इंडेक्स और स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर आपको नजरिया बनाना चाहिए। तो चलिए आपको बता दें, निफ्टी पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से मिलती हुई दिख रही है, 11,620 का यहां पर लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 11,470 का एक स्टॉप लॉस लगाकर निफ्टी पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और जब स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं तो यहां पर आप TCS पर खरीदारी की राय एंजल ब्रोकिंग की तरफ से मिल रही है, यहां पर 2090 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 1980 का यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। TCS के काउंटर पर एक बार खरीदारी करके चल सकते हैं, और निफ्टी क्योंकि पॉजिटिव मोमेंटम बिल्कुल देखने को मिल रहा है, इसी के चलते यहां पर भी खरीदारी का मन ही बनता हुआ दिख रहा है। अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस से भी हमने बात करने की कोशिश की, आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आए हैं। देखिए एक्सिस सिक्योरिटीज का कहना है FSL में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, यहां पर आपको 54 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, 4650 का यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, 4870 के लेवल्स पर यहां पर कारोबार देखने को मिला था। साथ ही इन्हीं की राय है ABB पर, यहां पर खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं,
1365 के लक्ष्य को ध्यान में रखें 1322 का, यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 1338 के लेवल्स पर, यहां पर कामकाज होता हुआ दिखा था। लेकिन साथ ही कमोडिटी बाजार भी काफी अहम है, कमोडिटी बाजार पर एक बार नजर बनाएं। कमोडिटी बाजार के दिग्गज का ये मानना है, जिनसे हमने बात की, कि नेचुरल गैस में करंट लेवल्स जो देखने को मिल रहे हैं, इसी के चलते आप बिकवाली का मन यहां पर बनाकर चल सकते हैं। यहां पर आपको टारगेट्स रखने होंगे 191 के, 195 का एक स्टॉप लॉस लगाकर चलें। बिकवाली की राय यहां पर मिलती हुई दिख रही है, और साथ ही बुलियन मार्केट में गोल्ड में जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, इसके चलते यहां पर भी बिकवाली की राय ही हमें मिलती हुई दिख रही है। 31600 के लक्ष्य को ध्यान में रखें, 31925 का यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, 31715 पर फिलहाल कामकाज होता हुआ सोने के वायदे में देखने को मिला था। इन लेवल्स को देखते हुए बिकवाली की राय एनर्जी पैक में नेचुरल गैस पर बनाकर आप चल सकते हैं, और साथ ही गोल्ड की अगर बात करें तो वहां पर भी आपको बिकवाली की रणनीति ही अपनानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। कुशल हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो बताएंगे कि ब्रोकरेज हाउसेस का पॉजिटिव रुझान कहां पर बनता हुआ दिख रहा है। बताएं कुशल, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट क्या कह रही है? चार स्टॉक्स पर ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट अभी तक आई है। पहला CLSA पर की रिपोर्ट है, कंसाई लेरोरेक पर उन्होंने डाउनग्रेड किया है इसे और बेचने की राय रखी है। उन्होंने उनका लक्ष्य जो है वो 450 से घटाकर 385 किया है। वो मानते हैं कि ऑटो सेक्टर में आगे जो मांग है उसमें कमी हो सकती है, जिससे पूरा सेक्टर इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा सिटी की वोडाफोन आइडिया पर राय है, न्यूट्रल रेटिंग रखी है उन्होंने, लक्ष्य 39 रुपीज़ का रखा है, और वो ये मानते हैं कि जो राइट्स इशू डिस्काउंट इशू हुआ है उससे फंड्स जुटाने में उनको आसानी हुई है, और माइनॉरिटी शेयर धारकों का पार्टिसिपेशन भी काफी अच्छा रहा है इसी वजह से। वोडाफोन आइडिया पर ही CLSA की राय है, सेल रेटिंग रखी है उन्होंने और लक्ष्य जो है वो 27 रुपए का रखा है, और वो ये बोलते हैं कि जो राइट्स इशू है उसके बेसिस पर जो डिस्काउंट दिया गया है उससे ह्यूज डाइल्यूशन हुआ है कंपनी के जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं। चौथा जो रिपोर्ट है वो CLSA की ICICI प्रूडेंशियल पर है, उन्होंने खरीदारी की राय रखी है, उन्होंने लक्ष्य बढ़ाकर 430 से बढ़ाकर लक्ष्य 450 रुपये किया है, और प्रोटेक्शन कारोबार से सबसे ज़्यादा योगदान आया है। और अंत में जेफरीज की फिनोलेक्स केबल्स पर डाउनग्रेड की उन्होंने रेटिंग की है और होल्ड रेटिंग रखी है, और लक्ष्य जो है वो 25 रुपए का रखा है, और अब तक ये जो है इन्होंने पॉजिटिव फैक्टर्ड इन सारे की सारे कर ये लक्ष्य रखा है। जी बिल्कुल कुशल, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।